so much fun. Finally we reach here, Oli. कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा व्यू. हम ओली पहुंच गए हैं. पार्किंग की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत. अभी हम चेयर कर लेंगे यहाँ से ऊपर को ओली पे. थोड़ा सा एंजॉयमेंट, थोड़ा सा एडवेंचर. डिमरी जी होंगे ना ऊपर. चलो रुक गया ना वहाँ. देखो ठंडा ना, मुंह पे लग रही है इसका ठंडा. देखो नीचे पूरा बर्फ जम गया. लोग देखो क्या कर रहे हैं. ये स्कीइंग के रास्ते में हेलो. आराम से चलना, स्लीपी बहुत हो रहा है. यहाँ से चलो नीचे से. इतनी बर्फ देख ली है 4 दिनों में कि अब बर्फ से मन मर गया है. ठंड भी नहीं लग रही, 1% की ठंड नहीं है. एक हमारा भाई है, ये है सामने हमारे आर्टिफिशियल लेक और सामने ठीक पहाड़ियाँ हैं. और इसके पार जो है आपका चाइना बॉर्डर पड़ता है. वो पूरा एरिया आपका चाइना बॉर्डर वाला पड़ता है. ये चाइना बॉर्डर रहने वाले. हाँ, ये पूरा चाइना बॉर्डर है सारा. इसके बाद चाइना बॉर्डर पड़ता है. अच्छा, चाइना के पहाड़ देखेंगे. हाँ, ये जो ऊपर जो लाइन जा रही है, ऊपर वाली लाइन आपके रूफ रेल की है. और चेयर कार वाली जिससे हम अभी आए थे, वो चेयर कार वाली है. वो ये वाली है. और बस. और एंजॉयमेंट कितना लगा आपको ये बताओ. बहुत जबरदस्त. आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा. ट्रैक सबसे ज्यादा मजा आया मुझे ट्रैकिंग में ना. तुंगनाथ का ट्रैक, तुंगनाथ का ट्रैक जो हमारा अब तक का जो हमने इस ट्रिप में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वही है, सबसे बढ़िया. बाकी ओली भी अच्छा है. एडवेंचर करने के लिए अगर आप स्कीइंग करना चाहते हैं. और ओली जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से थोड़ा निराश किया. नहीं, निराश नहीं करा. एक तो क्या है, इस समय हम इतना घूम चुके हैं कि हमको मजा नहीं आ रहा. अब कौन दोस्त? चार या तेरे दोस्त कौन? नहीं, डर लगती बहुत इसमें. हाँ, जब वो पता गड़ 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 करता है ना आवाज से, लगता है पता नहीं क्या हो रहा है. भैया वी आर गोइंग. मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? मजा नहीं लाइफ केबल कार. मजा नहीं आने. हैप्पी न्यू ईयर बॉस. कितना मजा आ रहा है यार. हैप्पी न्यू ईयर.
मैंने तो लगी बोल के बाद में आ रहा है गुड़ गुड़ गुड़। अब ठंडा लग रहा है ना, अभी तक ठंडा नहीं लग रहा, लग रहा यार हवा पहले नहीं लग रही थी, साथ में हम भी जा रहे हैं ना, दोनों तरफ का फ्लो आते समय नहीं लगा पता है ना, आते समय क्या हमको तो इधर जब अभी उतरे तभी लगा यार, यहाँ पे बहुत ही मशीन। हेलो 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 हेलो। तो आज हमारा जो यहाँ का मतलब क्या चल रहा है, सफर चल रहा है, सफर चल रहा है आज का, आगे सफर यही खत्म होता है। तो इसके बाद क्या जाने के तुषार हमारा यहाँ से निकले हैं, इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाएंगे पहले द्वारहाट द्वारहाट में अपनी गोपुर की बेटी जो छोटी वो लेंगे। ओके, उसके बाद हम रुकेंगे रानीखेत। ओके, प्लान बनता है तो रानीखेत में नाइट स्टे करते हैं। ओके, और नहीं बनता है तो सीधे हल्द्वानी को जाएंगे। ओके, लेकिन ट्रिप में मजा आया, ट्रिप में बहुत मजा आया, ट्रिप में बहुत मजा आया, केबल कार में भी हमको केबल कार में बहुत मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। सौजन्य से गढ़वाल मंडल विकास गढ़वाल गढ़वाल विकास मंडल जी के तरफ से एनजेई जी, बहुत लोगों का सहयोग है इसमें ट्रिप को अच्छा बनाने में। ठंडी कौन सा वायर होता है, सब हैंग कर देंगे यार। नहीं ये वाली वायर तो ही दो दिल्ली के चीज जो कौन सी वायर कहते हैं जो हमारे पाइप में लगती है बिजली के लाइन में, हां वाली वायर ही तो ही। इसमें कैसा रहता है स्टेबल, हां मतलब वहीं पे रुकेगा फिर आगे हैं नीचे में वो सेट रहता है ना, सेट हां फिक्सिंग के साथ जाता होगा। हम्म, जैसे वो होता ना ऐसे वो देखो आईटीबीपी वाले जा रहे ड्यूटी में सामने, भारत माता की जय। उनकी ड्यूटी लगी होगी ना ऊपर, ये वाले होंगे वो बीएसएफ वाले तो शायद बॉर्डर सिक्योरिटी आईटीबीपी के लगे। हां आईटीबीपी तो वही इंडो तिब्बत कैंप है ना आईटीबीपी का। हां हां ये वाला, अब हम मतलब थोड़ा ही देर में हम अपने स्थान पे पहुंचने वाले हैं। कौन सा वाला कैंप भैया, ये सामने वहां पे पलटता कैसे? अच्छा अच्छा यहां पे नहीं, सुनील करके नहीं है? हां सुनील में तो है, सुनील में तो एमटी शायद रिंग के पास में मेरे ख्याल से। ये कुछ होता ना रहा है, ये तो अपनी जगह फिक्स है, ये भी फिक्स है, फिक्स है वो तो ना, वो उधर ही लेगा ना जब हम ये गलती से गोपो गिर गया ना अच्छा हो जाएगी फिर कुछ भी गिर जाए ये तो मैंने पकड़ रखा है, एक फोटो ले लो नीचे बात। वो हैप्पी न्यू ईयर कैसा लगा कंटिन्यू ड्राइव करके? अच्छा ओनली टू हल्द्वानी सर, आपको ओली से हल्द्वानी तक ड्राइव करने में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, ये लग रहा है पहले ही आई एम प्रोफेशनल लेवल गोप्रो ऑन कर और फिर वो तो ऑन है वो तो ऑन है सच्चाई बताओ इसमें बहुत बढ़िया। थकाई लगी आपको? वहाँ से चला हिमाचल 14 घंटे 16 घंटे लग जाते हैं। तो सीधी रोड है ना? नहीं ऐसे ही रोड है, देहरादून वाली सीधी रोड है पूरी। अरे तो सीधी रोड है, नींद सीधी रोड में आती है, उसमें नहीं आती पहाड़ वाले में, तो हाईवे में आती ना नींद, गड्ढों में आती है, दो रास्ता पूरा हुआ है। शाम को अली सवेरे हल्द्वानी। अगर यार वो जाम नहीं लगता है 1.5 घंटा हम तो पहले पहुंच जाते हैं, अभी हल्द्वानी होते हैं घर पहुंच गए थे, अभी कुछ सोने का टाइम थोड़ी हुआ है, वैसे ही 12 बज जाते हैं घर में सोने में, 12:30 एक बजे तो मैं सोने की कोशिश करता हूँ, 12 बजते है वैसे अभी तक नींद आने लगा वही सारे वो मुंह का वो बोलने का पैसा बस सही बात है। ले लो चाय ले लो, तुम्हें लग रहा होगा ज्यादा थकान बैठे बैठे गाड़ी चलाने में, मुझे नहीं लगती थकान गाड़ी चलाने में, थकान नहीं लगती, बस थोड़ी देर खड़े हो जाओ घुटने सीधे कर लो बस सही हो जाता रिलैक्स हो जाता है। थकान ही ना एकदम से आंखें कभी कभी वो यार मेरी खुद मैं एकदम थोड़ा जम गया। तुम बैठे हो ना, तुम एक्टिव नहीं, तुम्हें नींद आएगी आएगी, मैं मेरा डाइवर्ट है माइंड, नींद आने का टाइम होगा मैं खुद ही सो जाऊंगा गाड़ी साइड लगा के, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम मुझसे पहले ही सोए होगे जब मैं सोऊंगा। आदत के ऊपर होते ना, बैठा हुआ आदमी तो थकता है और उसको नींद आना झपकी आना झोंके उसको लगते ही लगते है, अब जिसको आदत नहीं है वो आदमी को तो आएगी आएगी। सबसे ज्यादा थकान होती है उसमें
जब हम हाईवे में चलते हैं ना, स्ट्रेट चलूंगा, स्ट्रेट नहीं चल सकता फिर आगे से अगर भाई 12-1-2 बजे तो अब मेरा तो टाइम ही है, 2-3 बजे नींद आती है लेकिन नींद आती है स्ट्रेट में ज्यादा है, चाहे अब जैसा कि यहाँ उन्होंने छपके की आई जाती है, यहाँ नहीं आएगी सीधे हाईवे में वहाँ लगती आ जाएगी। दिल्ली वाली नहीं, हाँ दिल्ली वाली होगी ना,